तो नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों दोस्तों सुबह हो गई है और मोटो अभी भी उस नीम के पेड़ पर ही बैठी है। अभी देखते हैं दिन में ये आती है तो खाने को देंगे। और मैंने अभी जख्म भी नहीं देखा है कितना है, क्योंकि ये हिली नहीं है वहाँ से। तो दोस्तों मोटो उस नीम के पेड़ से उतर के पता नहीं किधर निकल गई है। मैं इधर फिर आया हूँ देखने, हो सकता है वो अपने बच्चे वगैरह को देखने आई हो। तो केले भी लाया हूँ, उसे खिला देंगे। नज़र तो आ नहीं रही है, कुछ वानर सेना उधर पीछे बैठी थी। तो दोस्तों अभी सुबह से शाम हो गई, 5 बज गए। और कल तो मोटो सारा दिन इस नीम के पेड़ पर बैठी रही थी और आज सुबह करीब 10 बजे तक यहाँ पर थी, उसके बाद पता नहीं किधर चली गई है। मैं उधर देखकर भी आया था, पता नहीं किधर बैठी होगी, किसी छत पे, बाउंड्री में साइड पे लेटी पड़ी हो, किसी पेड़ पे ऊंचे पे बैठी हो, क्योंकि नीचे रहती है तो मक्खियाँ भी परेशान करती हैं जख्म पर। तो दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस तरह की वीडियोस बनाओ, ऐसा कुछ हो। लेकिन ये पार्ट है दोस्तों, ये जो जर्नी चल रही है हमारी और वानर सेना की, आप सब की, तो ये पार्ट है, इसको भी हमें इसका भी हिस्सा बनना पड़ेगा, चाहते हुए ना चाहते हुए। पता नहीं किधर है दोस्तों, बाकी और सब तो हैं इधर आसपास। सारा दिन दोस्तों इनमें भागम भाग मची पड़ी है, कुछ 4-5 बंदर आ गए हैं और नए, उनको भी कि तू क्यों बैठा है यहाँ पे, भाग निकल यहाँ से। तो नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज अगली सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह 6 बजे ही हमें ये दिल दहलाने वाली खबर मिल गई कि मोटो भाई इस दुनिया में नहीं रही। अब दोस्तों कोई भी रीज़न हो सकता है, कुत्तों ने काटा है तो हो सकता है उसे रेबीज हो गया हो, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, रात में जो जख्मी हो जाता है बंदर उनको अकेला भी छोड़ देते हैं ये सब, तो हो सकता है ठंड से भी मोटो की मौत हो गई हो। तो जिनके घर पर ये जैसे भैंस वगैरह बांधी जाती हैं उधर उस तरफ ये कोने में पड़ी थी डेड, तो उन्होंने सोचा कि दिन निकलेगा तो बंदर आ जाएंगे। तो सुबह सुबह जैसे ही वो 4-5 बजे उधर गए थे अपने घेर में, तो उन्होंने बोरे में भर के, रात थी उस समय तो वो अंधेरे में ही इसको इधर ये पटरी के पास फेंक गए थे। तो अभी हमें सुबह सुबह पता चला, तो अभी 7 बजे हैं, तो हम मोटो का अंतिम संस्कार करने आए हैं। अभी हमारे पास तो जैसे और कुछ तो है नहीं कफन वगैरह, लेकिन
गंगा जल है और मोटो को कुछ इन्फेक्शन भी होंगे तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, गड्ढा करके हम अंतिम संस्कार कर देते हैं। बाकी दोस्तों अब बहुत ही बुरी, पिछले साल बड़ी मुश्किल से दिवाली पे मोटो को बचा पाए थे और इस बार तो दिवाली मोटो को ले गई।